अमेरिका की तर्ज पर यूपी में वेबसाइट बनाकर दंगा भड़काने की साजिश। सूत्रों के मुताबिक इस्लामिक देशों से हुई जमकर फंडिंग। हिंदुओं और हिंदुओं से भिड़ाने का षड्यंत्र। दंगों के बहाने पीएम मोदी समेत देश को बदनाम करने की साजिश। वेबसाइट में फर्जी आईडी से जोड़े गए हजारों नाम। हाथरस मामले पर बड़ा खुलासा। जेएनएम मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित से रेप या गैंगरेप नहीं, पीड़ित के शरीर पर कई चोट के निशान। हाथरस मामले पर सियासत करने वालों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रहार। बोले, जिन्होंने विकास अच्छा नहीं लगा उन्होंने जातीय दंगा भड़काना। हाथरस पर सियासत आज भी जारी रहेगी। आज आम आदमी पार्टी के नेता हाथरस पहुंचेंगे। निर्भया की केस से लड़ने वाली वकील सीमा कुशवाहा ने हाथरस में पीड़ित परिवार से की मुलाकात। हाथरस की निर्भया की केस लड़ेंगी सीमा। प्रदर्शन के दौरान प्रियंका वाड्रा का कुर्ता पकड़ने पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने मांगी माफी। घटना की जांच के आदेश दिए। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग आज फिर हाथरस जाकर के पीड़ित परिवार से करेगा मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी को सौंपेगा परिवार की सदस्यों की रिपोर्ट। हाथरस कांड को लेकर के देहरादून में कांग्रेस का सत्याग्रह। हाथरस कांड के विरोध में धरने पर कांग्रेस। हाथरस कांड के विरोध में राजस्थान में कांग्रेस का मौन प्रदर्शन। सभी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस का मौन सत्याग्रह। हाथरस घटना के विरोध में झारखंड में कांग्रेस का सत्याग्रह। रांची के मोरहाबादी मैदान में गांधी प्रतिमा के नजदीक 2 घंटे धरना दिया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के टीटागढ़ में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की गोली मारकर हत्या। थाने के बाहर बदमाशों ने गोली मारी। बीजेपी ने हत्या के विरोध में बैरकपुर बंद रखा। तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बीजेपी नेता की हत्या का संज्ञान लिया। राज्य के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और डीजीपी को तलब किया गया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने सीबीआई जांच कराने की मांग की। कहा, थाने के सामने हुई हत्या, पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा नहीं। बिहार के पूर्णिया में पूर्व आरजेडी नेता शक्ति मलिक की हत्या। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बिहार के पूर्णिया में पूर्व आरजेडी नेता शक्ति मलिक की गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस ने मौके से देसी कट्टा और फूफा बरामद किया। 1 हफ्ते पहले शक्ति मलिक का वीडियो आया था सामने, जिसमें शक्ति ने खुद की हत्या की आशंका जताई थी। बिहार चुनाव के लिए आज कांग्रेस कर सकती उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। दिल्ली में सोनिया गांधी के घर पर सीईसी की बैठक में होगा इसका फैसला। महागठबंधन सीट शेयरिंग के बाद आज आ सकती है प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। बिहार चुनाव के लिए आज बीजेपी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। रविवार को देर रात तक चली थी ये बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा तय हुआ। 121 पर बीजेपी तो 122 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी चुनाव। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू जीतन राम मांझी को अपने कोटे से देगी 5 सीट। वीआईपी अगर एनडीए से चुनाव लड़ती है तो बीजेपी कोटे से मिलेगी इसे सीट। अब बिहार में एनडीए गठबंधन में दरार। एलजेपी के नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया गया, तो जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में उतरने का ऐलान भी किया। एनडीए से अलग होने के बाद एलजेपी आज कर सकती उम्मीदवारों का ऐलान। पार्टी 143 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। पप्पू यादव ने मुकेश साहनी और उपेंद्र कुशवाहा को साथ आने का ऑफर दिया। कहा, आप दोनों सीएम उम्मीदवार हैं लेकिन मैं नहीं। विधानसभा चुनाव को लेकर पटना प्रशासन सख्त है। अति संवेदनशील इलाकों में सीआरपीएफ ने फ्लैग मार्च किया। आज संगरूर से शुरू होगी राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली। शाम 4 बजे पटियाला के समाना में आज मंडी में किसानों को संबोधित करेंगे राहुल। हरियाणा के पिहोवा से 6 अक्टूबर से राहुल गांधी करेंगे खेती बचाओ यात्रा। 7 अक्टूबर को करनाल में होगा समापन। अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पर बीजेपी की नजर। पठानकोट में मास्टर मोहनलाल ने कहा, सिद्धू की मूल पार्टी है बीजेपी, वापस आएंगे वो। आज पीएम मोदी शाम 7 बजे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेस सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 5 दिनों तक ये चलेगा समिट। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए संयुक्त रूप से तैयार सेना और वायुसेना। पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं ने साझा ऑपरेशन के जरिए चौकसी बढ़ाई। मुंबई के कटलरी मार्केट में लगी भीषण आग, दमकल की 9 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। दिल्ली के नरेला में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। हाथरस की निर्भया के लिए इंसाफ की मांग की है। दिल्ली के विकासपुरी में पुलिस और गौरी गिरोह के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की गोली कांस्टेबल के सीने में आकर के लगी। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बची जान। दिल्ली दंगा मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की न्यायिक हिरासत बढ़ी है। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फिर भेजा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए पहला कट ऑफ लिस्ट 10 अक्टूबर को आएगा और इस बार दाखिले की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। पहला कट ऑफ आने के बाद डीयू में 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक होगा दाखिला। डीयू का नया सत्र 18 नवंबर से होगा शुरू। दिल्ली पुलिस ने फरार चल रहे कोरोना संक्रमित बदमाश को पकड़ा। 17 सितंबर को एलएनजेपी अस्पताल से फरार हो गया था। कोरोना वैक्सीन पर आई खुशखबरी। केंद्र सरकार ने रखा जुलाई 2021 तक देश में 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन मुहैया कराने का लक्ष्य। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 66 लाख के पार। अब तक 1,02,685 लोगों की मौत हुई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 74,442 नए मामले सामने आए, जबकि 903 लोगों की मौत हुई।
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,702 नए मरीज आए सामने, जबकि 326 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 14,43 के पार पहुंचा। कोरोना से अब तक 38,084 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 213,652 हुई है। कोरोना से अब तक 9,108 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,683 नए केस सामने आए, 38 कोरोना मरीजों की मौत। कुल मामले करीब 3 लाख के पार। बीते 24 घंटे में तमिलनाडु में कोरोना के 5,489 नए मरीज, कर्नाटक में कोरोना के 10,145 नए केस। आज प्रयागराज में 200 बेड के कोविड अस्पताल का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में कुबास लैब का भी करेंगे उद्घाटन। नवरात्र में शुरू हो सकता है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम, 28 दिन के अंदर आ जाएगी टेस्ट प्लाइंग की रिपोर्ट। हमीरपुर में खराब समोसे खाने की वजह से 36 से ज्यादा लोग बीमार हुए, उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और शराब तस्करों के बीच में मुठभेड़, एक तस्कर को गोली लगी है, पुलिस ने शराब से भरे ट्रक को जब्त किया। गौतम बुद्ध नगर के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 के नाबे बदमाश टीकू को गोली लगी। नोएडा पुलिस और ड्रग्स तस्करों के बीच मुठभेड़, 2 तस्करों को गोली लगी है, पुलिस ने ड्रग्स जब्त किया। लखनऊ का घंटाघर छावनी में तब्दील हुआ, पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस सतर्क हुई। यूपी में आज हड़ताल पर बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक शिवराज करेंगे मैराथन चुनाव प्रचार। एमपी में उपचुनाव से पहले सियासत तेज है, पूर्व मंत्री ओमकार मरकाम ने मंत्री बिसाल लाल सिंह के पैसे बांटने वाली तस्वीर ट्वीट की है और इसी से इस पर कार्रवाई की मांग की। एमपी के जौरा विधानसभा में आज नरेंद्र सिंह तोमर बूथ सम्मेलन में होंगे शामिल, फगन सिंह बदनावर में सम्मेलन को करेंगे संबोधित। एमपी में बीजेपी के संभावित उम्मीदवार नारायण पटेल की फिसली है जुबान, लोगों से कांग्रेस को वोट देने की कर रहे हैं अपील। एमपी में कंप्यूटर बाबा की लोकतंत्र बचाओ यात्रा, मूंगावली पहुंची है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर संत समाज को बदनाम करने का आरोप लगा। छत्तीसगढ़ में सुपोषण अभियान की पहली वर्षगांठ आज है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यूनिफॉर्म बांटेंगे सीएम भूपेश बघेल। 9 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति की होगी बैठक। महावरी उपचुनाव से पहले अमित जोगी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कोरबा में साड़ियों और शॉल बांटने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ सरकार अगले बजट में 10% की करेगी कटौती, विभागों को बजट कटौती करने को सीएम ने दिया आदेश। उज्जैन में महाकाल के दरबार में जीएसआई और एएसआई की टीम ने की शिवलिंग की जांच, 10 सदस्यीय टीम ने शिवलिंग के घिसने की जांच की। इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक दुकान के करीब 4.5 लाख रुपए की चोरी की खबर सामने आई, पुलिस ने 11 महिला चोरों को गिरफ्तार किया। कोरबा में माइनिंग कंपनी में लूट के मामले में खुलासा हुआ, पुलिस की गिरफ्त में सहायक कैशियर, 10.5 लाख रुपए कैश बरामद। एमपी के बहादुरपुर में तलाशी के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ट्रक से 4,000 लीटर अवैध शराब जब्त। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में स्क्रू ड्राइवर से एक शख्स की हत्या की गई है। चुनाव से पहले बांका में पकड़ी गई शराब की बड़ी खेप, सिमडेगा में मछली मारने गया शख्स कोयल नदी में फंसा, नदी में पानी बढ़ने से हादसा हुआ, रेस्क्यू जारी। गढ़वा पुलिस के नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बड़ी मात्रा में गांजा बरामद, एक महिला समेत 2 गिरफ्तार। त्योहारों के सीजन में फलों की कीमत को देखते हुए राजधानी रांची में सेब और केला 20 से 30 रुपए तक महंगा हो गया, बाजार में खरीदारों की भी भारी कमी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश को देंगे 1372 करोड़ की सौगात, जोधपुर बीकानेर भरतपुर और कोटा संभाग को विकास कामों में देंगे ये सौगात। राजस्थान में बढ़ते अपराध के खिलाफ आज बीजेपी का हल्ला बोल है, बीजेपी नेता सीएम गहलोत और राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने फिर आरक्षण की मांग उठाई है, 17 अक्टूबर को होने वाली महापंचायत में आंदोलन पर फैसला होगा। हैदराबाद में पुलिस ने 10 लाख रुपए का गुटखा किया जब्त, इसमें अवैध तरीके से विदेशों से लाए गए सिगरेट भी मौजूद है। देसी सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में 8 कंपनियों का मार्केट कैप में 1,45,195 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। जीएसटी काउंसिल की बैठक आज, रेवेन्यू शॉर्टफॉल की भरपाई को लेकर के गैर बीजेपी राज्य कर सकते हैं हंगामा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तीय वर्ष 2020 में 2,206 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा। गाड़ियों की बिक्री में 5,73,000 की आई है कमी, पिछले साल अगस्त सितंबर में 31,33,000 गाड़ियां बेची गई थी। देश में बढ़ रहा है खादी के कपड़ों का ट्रेंड, गांधी जयंती के मौके पर दिल्ली में खादी इंडिया आउटलेट ने 1,20,00,000 रुपए कमाए। आईपीएल में चेन्नई ने पंजाब को 10 विकेट से हरा दिया, तो सीजन में पहली बार कोई टीम दुबई में चेज करके मैच जीती है। आईपीएल के दूसरे मैच में मुंबई ने हैदराबाद को 34 रन से हरा दिया। फ्रेंच ओपन में दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी
सिमोना हालेप की जीत का सिलसिला टूटा, वर्ल्ड की नंबर 29 खिलाड़ी से हारी हैं ये। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत में तेजी से सुधार हुआ है, अस्पताल के बाहर खड़े लोगों का हाथ हिलाकर के अभिवादन किया। ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ आए भारत और ब्रिटेन, सॉफ्टवेयर सर्विस फ्रॉड के खिलाफ भारत के 6 शहरों में 10 जगह छापेमारी। कोरोना पॉजिटिव डोनाल्ड ट्रंप पर चीन ने तोड़ी चुप्पी, सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए कहा कोरोना को कमतर आंकने की भुगत रहे हैं सजा। साउथ की सुपरहिट एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया कोरोना पॉजिटिव हुई। अपकमिंग फिल्म जर्सी के लिए शाहिद कपूर ने अपनी फी 25% कम की है, रिपोर्ट के मुताबिक शाहिद 33 करोड़ की जगह 25 करोड़ ही रुपए लेंगे। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने शुरू की है फिल्म हंगामा पार्ट 2 की शूटिंग। मगरमच्छ के साथ फोटो शूट किया जा रहा है, लेकिन मगरमच्छ की एक हरकत सभी को भागने पर मजबूर कर देती है। देखिए कैसे यहां दौड़ लगाई जा रही है और कोशिश कर रहे हैं इसमें सफलता पाने की, लेकिन कूद नहीं पाते और फिर नाले में ये कैसे गिर जाते हैं। मासूम बच्ची और उसके डॉगी की मासूमियत देखिए आप। डॉगी को पानी पर चलते हुए देखिए, डॉगी की गति इतनी तेज है कि वो पानी पर चल रहा है। सुरक्षाकर्मी बैरिकेड के पास खड़े हैं और उसको पार करने की कोशिश कर रहा यह शख्स, लेकिन मिस टाइम कर गया और नीचे गिर पड़ा। नदी में स्केइंग करते हुए शख्स को देखिए आप और पैरों पर बंधे बड़े डंडों के सहारे शख्स कैसे पानी पे गिर गया। शख्स खाने की टेबल पर बैठ रहा है, लेकिन तभी उसका पालतू डॉगी उसके स्टूल को हटा देता है। लड़की अपने पालतू जानवर को जीभ दिखा रही है, लेकिन पालतू जानवर उसकी जीभ को ही अपने मुंह में दबा लेता है। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।